चलिए बात करते हैं उर्मिला जी से। उर्मिला जी आप लाइन पे हैं मैम? जी स्वागत है आपका, प्रश्न कर लीजिए। जी मुझे 3 साल से बात करनी थी। जी बात हो रही है उर्मिला जी, आपका स्वागत है। जी मेरे को सर रहीम साहब ये पूछना था, मेरे पति बीड़ी पीते हैं बहुत ज्यादा, तो वे उनको ना फेफड़े सिकुड़ चुके, डॉक्टर ने बोला उनको सुबह सुबह दांत वो एकदम सांस फूल जाता है बहुत ज्यादा, और खांसी है, इतनी खांसी और कफ भी बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है देखिए अब उस जगह पर आ गए हैं आपके पति जहाँ पर बीड़ी छोड़ देनी चाहिए, और एक नुस्खा बता रहा हूँ, और बीड़ी छोड़ दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये नुस्खा तो ज़रूर ले। देखिए सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये 3 चीज़ें, 3 दवाएं हैं, बल्कि 4 दवाएं हैं। ये 100-100 ग्राम लीजिए, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100-100 ग्राम लें, और पीपला मूल, जो आपके किचन में पीपलें होती हैं जिसे पीपला मूल भी कहते हैं, वो 30 ग्राम लीजिए। इन सबको पाउडर बनाना है, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, इनका पाउडर बना लीजिए, और 1 चम्मच सुबह गर्म पानी या चाय से दें, और 1 चम्मच रात को सोते समय दें, तो उनको कुछ फ़ायदा होने लगेगा, बीड़ी छोड़ना उनके लिए अच्छा रहेगा। जी